हमें देखना है कि हम 10x और 10 inverse का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो जो 10x का ग्राफ है, 10x के ग्राफ के लिए हमें या फिर 10 इनवर्स का हो, दोनों में से किसी को भी ग्राफ हो उसके लिए हमें रेंज चाहिए होती है। तो रेंज के लिए हम सबसे पहले हम जानते हैं कि 10x जो है वो कहाँ कहाँ तक लाई करता है। तो अगर हम बात करें तो 10 0 जो है वो 0 होता है और 10 90 जो है वो इनफाइनाइट होता है। और अगर हम बात करें 10 -90 यानी -π/2 क्या होता है, तो ये होता है -∞। ठीक है, तो अगर हम माने y=10x, तो y=10x मतलब हमें चाहिए कि हम x की कोई रेंज डिसाइड करें कि x जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तभी हमें y की वैल्यू मिल पाएगी। तो ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। अब हम देख रहे हैं कि 90 पर ये हमें मिल रहा है इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू जब मैं π/2 लेती हूँ, तो π/2 पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। और ऐसे ही जब मैं -π/2 लेती हूँ, तो ये -π/2 मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये -π/2। तो π/2 हो या -π/2 हो, 10 की वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है। ठीक है, लेकिन ये देखें कि ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। तो यानी π/2 पर तो ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और -π/2 पर ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। यहाँ से पूरा ये स्ट्रेट जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी पूरा स्ट्रेट जाएगा, लेकिन 0 पर देखें तो हम 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर इसे बना देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 10x ग्राफ, जिसमें ये π/2 पर भी इन्फिनिटी जा रहा है और -π/2 पर भी इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, अगर हमें इसको फर्दर आगे बढ़ाना है तो फिर हम आगे का इंटरवल और चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर π/2, फिर यहाँ पर आएगा पाए, यहाँ पर आ जाएगा 3π/2। ऐसे ही यहाँ पर -π/2 है, तो यहाँ पर -π आएगा। तो उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू देख लेंगे कि पाए पर 10 की वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं कि पाए पर 10 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, और 3π/2 पर 10 की वैल्यू क्या होती है, उस हिसाब से हम ये जो ग्राफ है आगे प्लॉट कर लेंगे। इसके आगे की जो वैल्यूज हैं ये बनाने के लिए हम देखते हैं कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, किस में माइनस में। यहाँ पर सारे प्लस में होते हैं, यहाँ पर होता है साइन प्लस में, वो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वो भी प्लस में होता है। यहाँ पर होता है 10 प्लस में, और 10 का उल्टा कॉट होता है, वो भी प्लस में। और यहाँ पर होता है कॉस प्लस में, कॉस का उल्टा होता है सेक, वो भी प्लस में। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, टू मतलब 10, और कॉफ़ी मतलब सी से कॉस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 0 से π/2, पाए और 3π/2। 0 से π/2 में तो सारे प्लस हैं। ठीक है, तो 0 से π/2 में 10 की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव। π/2 से पाए में ये सिर्फ साइन प्लस में है, बाकी सब क्या होंगे यहाँ पर माइनस में। तो यानी इस क्वाड्रेंट में π/2 से π में 10 भी क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं। तो पीरियोडिक का मतलब होता है कि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट करते हैं। तो जैसा यहाँ पर बन रहा है वैसे सेम यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन अब मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ कि ये कैसे बना। देखिए, π/2 से π में कौन प्लस में है, साइन और कॉस, यानी 10 काय में होगा माइनस में, माइनस में होगा तो नीचे आएगा। ठीक, अब पाए से 3π/2 की जब बात करेंगे तो 10 काय में है प्लस में, तो पाए से 3π/2 की जब बात करेंगे तो 10 की वैल्यू काय में आएगी प्लस में। और जैसे ही आप 3π/2 पर आएंगे तो 10 3π/2 यानी 270 डिग्री, ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ का भी फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ का भी फॉर्म ऐसे ही आएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो ये ऐसा, ये जो सेम साइकिल है ये रिपीट करेगी। अब हम बात कर लेते हैं 10 इनवर्स x की। तो जहाँ 10x में हमने π/2 से -π/2 लिया था, ठीक, ये π/2 से -π/2 क्या रही थी, x की रेंज आ रही थी। तो जैसे हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री में x की रेंज निकाली है, वैसे हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम y की रेंज निकालेंगे। तो y की रेंज हम कैसे निकालेंगे, हमने माना y=10 inverse x। ठीक है, अब यदि मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूँ या माइनस इन्फिनिटी रखूँ,
तो इन्फिनिटी रखने पर मुझे 10 की वैल्यू क्या मिलेगी? अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि फंक्शन जो है वो यहाँ पर एंड हो जाए एक्स पर जाकर। एक्स पर जाके फंक्शन एंड कब होगा? जब हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रहा तो 10 inverse infinite क्या होता है? 10 inverse infinite यानी 10 inverse 10 pi/2। तो 10 से 10 कैंसिल, तो पाई बाय टू। ये क्या मिल गया आपको? वाई की वैल्यू। तो वाई की एक वैल्यू आपको मिल गई पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू पर जाके जो फंक्शन वो क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इन्फाइनाइट हो जाएगा। यानी पाई बाय टू पर जाके ये 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फाइनाइट हो जाएगी। और अगर मैं ज़ीरो रखूँ तो ज़ीरो रखूँगी तो 10 inverse 0 तो ज़ीरो ही हुआ। तो यानी यहाँ से जाएगा फंक्शन ऐसा। और अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू रखूँ तो मुझे वाई की वैल्यू भी क्या, सॉरी माइनस इन्फिनिटी रखूँ, क्योंकि एक्स पे फंक्शन जो है वो इस साइड जाके फिनिश होगा माइनस इन्फिनिटी पर। तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूँ तो मुझे वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस पाई बाय टू। तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय टू पर यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ। यानी हमें करना क्या है, हमने जब 10x का प्लॉट किया, जब हमने 10x का प्लॉट किया तो हमने x की लिमिट डिसाइड कर ली कि पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू। उसी प्रकार जब हमने 10x का प्लॉट किया तो हमने y की लिमिट डिसाइड कर ली कि y जो है वो पाई बाय टू से लेके कहाँ पर जा रहा है? माइनस पाई बाय टू पर। आई होप यू लाइक द वीडियो, आप समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वेदारम ट्यूटोरियल।